अस्सलाम वालेकुम जी सर जी, असी आ गए हैं लाइव ते अपना अभी रात भाई वाकई इसको भेजना मुश्किल होता है, ये बात मुझे कंफर्म कम करें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, आवाज आ रही है तो आप लोग लाइव चैट में लिख सकते हैं। चलें जी, हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीजें। फिंच के शौकीन, हाय। जी, और मैं एक चीज बता दूं कि जिसने भी चैट करनी है ना, वो सब्सक्राइबर होना मस्ट है। अगर वो कोई क्वेश्चन या कोई चीज करना चाहता है तो लाजमी सब्सक्रिप्शन क्लिक करके तो फिर उसको मैसेज ऑप्शन आएगी। मैंने जो सेटिंग रखी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मैं ज्यादा यूजली आता नहीं हूँ ऑनलाइन। एक दो दोस्त हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर, मे बी वो थोड़ा सा लेट हो जाए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने कहा चलें मैं ऑनलाइन आ जाता हूँ। तो अगर कोई लाइव बातें, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो हम लोग कर लेते हैं उसको। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो फिर डिस्कशन हमारी लंबी चलेगी। तो ओनली 30 मिनट्स हैं, 10 से 10:30 तक। तो कोशिश होगी मेरी, मैं कि एक नहीं तो दो दफा हम लोग इसको लाइव कर सकें वीक में। तो देखते हैं कितना है, किस तरीके से है, क्योंकि लोग अक्सर अपने अपने कामों में बिजी भी होते हैं। तो दो चार दोस्त हैं जिनकी रिक्वेस्ट पर मैंने किया ये ऑनलाइन। और सुनाए, अगर कुछ दोस्त पूछना चाह रहे हैं कुछ चीजें म्यूटेशन के हवाले से या किसी और ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से, विटामिन्स के हवाले से, या चीज़ों से जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ब्रीडिंग वर्ड फार्म पे, तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो कि आपकी तरफ कनेक्शन सही आ रहा है कि अभी तक मेरी आवाज़ और एवरीथिंग आप लोगों के यहाँ सही सुनाई दे रही है। तो आप कमेंट्स में लिख के लाइव चैट के ऑप्शन ऑन करें और वहाँ पे लिख के मुझे बता सकते हैं कि हमारा जो है, आपकी आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है, तो मैं उसको अगर नहीं है तो एडजस्ट कर लूँगा। बाकी आज मैंने कुछ और दो पेयर मंगवाए हैं, हमारे उस्मान भाई हैं उनसे लिए। तो क्वालिटी वाइज इतना उस पर नहीं था मेरा फोकस, वो कलर्स पे था। ओबीबीबी के थे, मुझे रिक्वायर्ड थे दो स्पेशली मेल, लेकिन साथ में पेयर उन्होंने कहा जी फीमेल्स भी हैं, तो मैंने कहा चलें दोनों हमें ही दे दें तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया हुआ है ऑलरेडी, हमारे तो पहला क्लच आ भी गया है और कॉमन्स के तो बेतहाशा सेकंड क्लच के लिए जा रहे थे, लेकिन मैंने वो मटकियां उतार दी जितनी लगी थी हमारे, कह लें कि कॉलोनी के अंदर, छोटी कॉलोनी में। तो फिर वो मैंने जो है म्यूटेशंस की कॉलोनी
कॉलोनी बनानी। अभी तो फिर फ्लाइंग केज है वो म्यूटेशंस के चिक्स के लिए, जितने भी बेबीज आएंगे वहाँ पे हम उसको फ्लाइंग केज में छोड़ेंगे, तो प्लान ये है। और बाकी बड़ा केज एक ऊपर बनाया है, मे बी फ्यूचर नियर फ्यूचर उसमें हम जावा की कॉलोनी लगा दें, जो हाफ रूम का मैंने आप लोगों को दिखाया था मेरी वीडियोस के अंदर है, तो हम उसके अंदर जावा लगा सकते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे क्या प्लान बनता है, क्योंकि कॉलोनियाँ हमारे पास 3-4 हो गई हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी काफ़ी ब्रीड आ रही है। म्यूटेशंस की भी आज मैंने एक वीडियो शो की आप लोगों को, क्योंकि उसमें यूजली हमारे 10 से 15 पेड़ हैं, मेरे ख्याल में 11 या 10 10 11 हैं, 15 नहीं है, लेकिन मटकियां हमने ज़्यादा लगाई क्योंकि नियर फ्यूचर जो हमें वर्किंग लाइन 3B की या ऑरेंज फुल ऑरेंज की, उसको अगर हमने करना हुआ उस पर वर्किंग जो पेयर्स, हमारा ये है कि वो हम लास्ट स्टेज पे होंगे कि उससे 3B या उससे फुल ऑरेंज ही प्रोड्यूस हो, तो वो पेयर हम पिक करके उसको केज बाय केज में डाल लें, ताकि उसकी जितनी ब्रीड है वो अपनी टॉप लेवल पे आ जाए। तो बाकी जो होंगे, मसलन जब भी आप 3B लगाते हैं, तो अगर आप मेल भी 3B होगा, फीमेल भी 3B होगी, तो फिर भी आपको 50% ही बच्चे जो हैं वो 3B निकलेंगे, और 50% जो उन्होंने फेंकना होगा वो दूसरे निकाल देंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मेल फीमेल में से कोई 3B है, तो दूसरा मैं 2B लगा दूं, तो फिर भी बच्चे 50% ही आएंगे, बजाय कि आप 2 3B को कंबाइन करके रखो। उससे बेहतर है कि एक 3B का और एक 2B का लगाओ, तो रिजल्ट उतना ही उतनी ही क्वांटिटी में आपके पास आएगा। तो वो वाली चीज़ हम लोग करेंगे, और बाकी कॉलोनी से जो बर्ड इस कैपेबल यानी कि इतनी कैपेसिटी में आ जाएंगे कि वो हमें 3B और फुल ऑरेंज प्रोड्यूस करके दें, उसे हम जो है वो ले लेंगे और फिर उसको हम लगाएंगे अपने, कह लें कि उसके अंदर वर्किंग के अंदर जो हमारा केज बाय केज सिस्टम है, अदरवाइज कॉलोनी में ही रहेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कह लें कि कोशिश है, 5-6 पेयर 3B के लगे हुए हैं डायरेक्ट, जो 5 पेयर हैं जो डायरेक्ट निकालेंगे 3B बच्चे, और 3 से 4 ही हमारे फुल ऑरेंज के हैं, क्योंकि मेरी सारी होम ब्रीड है। मैंने जब स्टार्ट किया था शुरू से ब्लैक ब्रस्ट ऑरेंज ब्रस्ट का एक मेल लिया कॉमन बेच के, उसके बाद फिर वो चलते चलते फिर 2 हुए 3 हुए, इस तरह फिर जब ब्रीड आई तो फिर आपस में उनके करके, तो इस तरह काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह म्यूटेशंस जो है ना वो इकट्ठी हुई हुई है। तो म्यूटेशंस के अंदर ज़्यादातर मेरा फोकस जो है ना फुल ऑरेंज पे है इस सीज़न में, और 3B पे टॉप पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि जिससे अपनी होम ब्रीड, जिसमें यह है कि मेरी कोशिश होगी कि साइज़ और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो, जैसे ये दोनों बर्ड्स हम प्रोड्यूस करें तो ब्रीडिंग बर्ड फार्म्स पे, तो 3B और जो सॉरी हमारा फुल ऑरेंज है वो अपनी अपना साइज और अपना कह लें कि क्वालिटी जो है, हेड सेट बड़ा और बीक छोटी, वो वाला भी अपने आप को मेंटेन रखे, और गोपरू टाइप फ्लफी टाइप होना चाहिए, एग्जिबिशन साइज जिसे हम कहते हैं। तो फोकस मेरा उस पर भी है, क्योंकि मैंने 5-6 मेल फीमेल्स जो है ना वो तैयार कर रही हुई हैं, जिसमें से 2 मेरी मैंने परचेज की थी शुरू में एग्जिबिशन और इंग्लिश ब्लड लाइन की, तो उन्हीं से आगे काफ़ी बच्चे निकले हुए हैं जो अंडर साइज मेल के साथ हैं, जो कि म्यूटेशन में शामिल हुए हैं। तो उसके बाद फिर उनके अपनी फीमेल्स बच्चों में से फीमेल्स भी निकली हैं जो अपनी मदर साइज के ऊपर हैं, उसी क्वालिटीज के ऊपर हैं। फिर मेरे जितने क्वालिटी वाइज बर्ड हैं जो ऑरेंज लाइन के हैं या ब्लैक ब्रस्ट इसके ब्लैक लाइन के हैं जो 3B की तरफ जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसमें आपको रेड आइज और मलबरी जो आइज है हमारी, वही जिसे हम रेड आइज कहते हैं, मलबरी आइज जो सेंटर से ब्लैक और साइड से राउंड में रेड होती है डार्क, वो वाली ब्लड लाइन है, वही हम इसे आगे लेके चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे मेरा ज़्यादा फोकस है कि हम उसी पे काम करें, तो ये वाला सीन है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह लें कि और 10:30 तक हम लोग इसको सेशन को लेके चलेंगे आगे। तो ये सिंपल मैंने शुरू किया कि यार अक्सर ना लोग वो मैसेज करते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो बासकत बंदा दे जब दे पाता है नहीं होता, तो इसमें इकट्ठे जो एक क्वेश्चन है वो 5-6 लोग कर देते हैं, तो जब एक पूछेगा तो उसको इसी में आंसर जो है ना वो मिल जाएगा।
कोशिश मेरी ये थी कि लाइव, और दूसरा मैंने कहा चलें लाइव करके देखते हैं हमारे चैनल्स के ऊपर। मैंने एक दफ़ा पहले भी एवरी को, कॉलोनी को दिखाया था लाइव, लेकिन मैं खुद बैठ के इस तरह लाइव इतना नहीं किया था कि उस तरीके से आप लोगों को जो है ना वो समझ है। तो इसमें यह है कि बंदा लाइव बैठा होता है, उमून यूट्यूब को चाहिए कि जो व्यूवर है उसको भी ऑप्शन मिल रहे हैं जूम में, और दूसरा होता है कि वो भी वीडियो में आ जाता है लाइव। लेकिन इन्होंने यूट्यूब में ऐसा कोई सीन नहीं है कि ज़ाहिर है क्यू में लगे होते हैं लोग, तो व्यूवर भी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो फिर ऑप्शन में भी उन्होंने डिसाइड किया हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हो तो बेहतर है यार, किसी को 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम उसमें है कि, या 2 मिनट का टाइम सेट हो तो वो उसमें हो जाता है। बाकी ये तो हमारा कह लें कि रिलेटेड है फिंचेस के, अगर कोई बंदा किसी को आईटी रिलेटेड भी चीज़ें पूछनी है तो मेरा आईटी का चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने इंट्रोडक्शन दी हुई है, शहजाद अर्शद 2000 लिखेंगे आप तो आपको आईटी का चैनल मेरा वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। और यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग कैसे उसको बनाना है या क्या करना है, मोनेटाइज कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें, वो मैं मुझसे कोई वो भी टेक्निकली पूछना चाहे तो मैं हाजिर हूँ विदाउट एनी चार्जेस तो हम वो भी टिप्स दे सकते हैं। तो कोई भी किसी किस्म की भी डिस्कशन हो तो हम लोग उसको कर सकते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने चैनल बनाया था लास्ट ईयर, कह लें कि शायद सितंबर में जाके, तो किसी भी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 2 नंबर तरीके बहुत हैं, लोग करते हैं लेकिन वो फायदा नहीं है उसका। आपकी देखें वो ऑर्गेनिकली आपका चैनल ग्रो नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको ऑर्गेनिकली कराना चाहते हैं तो 5 से 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, और आपका डेली 2-3 घंटे आपको चाहिए उस पर काम करने के। आपको वीडियोस जो है ना वो 8+ मिनट की बनानी है, और दूसरा डेली अपलोड करनी है एक वीडियो। 100 वीडियोस हो जाएंगी जब, तो तभी आपकी व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन से दोनों बढ़ेंगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। तो ये वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अमूमन लोगों को नहीं पता होती, तो वो भागते हैं फिर उससे करवा उससे करवा। कई चीज़ें होती हैं जो कह लें कि ईजी होती हैं लेकिन सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो वाली चीज़ है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में अभी तक तो सारे चुप करके बैठे हुए हैं, देख ही रहे हैं। वही वो हमारे थे एक और भाई, जुबैर भाई, असद भाई, फिर वो और 3-4 हैं, एक और दोस्त थे। अच्छा, अक्सर एक दो दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग ज्वाइन करेंगे, फिलीपीन से भी है, ब्रीडर है, अच्छा बहुत ज़बरदस्त ब्रीडर है, मैं आज उसकी वीडियोस शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उसका चैनल दे दूँगा, बहुत अच्छी इंग्लिश में होता है लेकिन बहुत ज़बरदस्त उसकी, उसका जो है ना पेयरिंग करना कैसे करते हैं क्या चीज़ें, वो वाला बड़ा ज़बरदस्त है उसका। टिप्स जो उससे मिले हैं मुझे करने के, वो रिजल्ट 100% वही निकला है। लेकिन अक्सर ये है कि आपका इसमें जैब्रा कैलकुलेटर है, उसमें भी एक्यूरेसी आ जाती है आपकी 70-80%, लेकिन जब एक्सपीरियंस से उस चीज़ को लगाते हो उसमें थोड़ा सा चेंज आए तो आपको फिर उस एक्सपीरियंस से पता चलता है कि यार नहीं ये इस तरह नहीं इस तरह होगा, तो फिर 100% एक्यूरेसी आ जाती है रिजल्ट में। तो सैप्रा कैलकुलेटर बहुत ज़बरदस्त है। अभी तो उन्होंने जो हमारी इस पे थी लैपटॉप के ऊपर जैब्रा कैलकुलेटर की, उसमें यह है कि कर दिया था उन्होंने थोड़ा सा चेंज, तो जिसमें ये था कि अब पहले तो उन्होंने प्रॉपर लिखा होता था कि आपके जो है ना OBBB ब्लैक ब्रस्टेड ये वो चीज़ें, अब उन्होंने जीन्स के नाम से कर दिया हुआ है जो डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन है उनकी उसके अंदर। लेकिन आपकी मोबाइल में अभी भी जो हमारी जैबरा कैलकुलेटर की है ना, मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली, इसमें अभी भी जो है ना वही आ रहा है, सारा जितना है वही आ रहा है। अगर मैं खोलूं इसको हमारा ये कर दें और टॉप पे जाऊं तो अभी भी देखें वही ब्लैक ब्रस्टेड, ये देखें आपको शायद नज़र आए लिखा हुआ, ये देखें इजाबेल, शायद आपको उल्टा नज़र आ रहा हो लेकिन कह लें कि ईमो इजाबेल ये सारा। तो इसमें जब आप ओपन करते हैं तो आपको ब्लैक ब्रेस्टेड ऑरेंज ब्रेस्टेड वो सारा जो है वो स्प्लिट और उसकी जो है ना वो सारी नज़र आ जाती है। ठीक है, ये देखें, ठीक है,
एक्चुअली मेरे फेस को फोकस कर रहा है। तो अभी भी जो ज़ेब्रा कैलकुलेटर है बहुत ज़बरदस्त है, म्यूटेशन के लिहाज से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त है ये, इसको आप यूज़ करें, इससे आपको पेयरिंग करने में आसानी होगी। रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है कि आप इस फीमेल को इस मेल के साथ लगाएं या इस मेल को इस फीमेल के साथ लगाएं तो क्या रिजल्ट आएगा। ये बेसिकली इसलिए बनी हुई है, तो इसको यूज़ करें, लर्न करें, उससे ये होगा कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चलें जी, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। ये चल रही हैं, हम कुछ मिनट्स और वेट करेंगे, तो अगर ना हुआ तो फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। शेड में सुबह में आप लोगों को नए वो जो मैं लाया हूँ 3-4 बर्ड्स, जो 2 पेयर आए हुए हैं उनकी मैं इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन दूंगा, उसको हम पकड़ कर उसको चेक भी करेंगे। क्वालिटी वाइज, साइज वाइज और क्वालिटी वाइज मेरे पॉइंट्स के ऊपर नहीं है, लेकिन कलर वाइज और स्टेज वाइज जो है OBBB वो मेरे लिए इनफ है कि उससे हम और अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकें। तो ये वाली चीजें, चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। मेरी कोशिश होगी वीकली हम लोग किया करें, तो लाइव आके मैं आप थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिया करें, अगर कोई चीज़ें हों तो कुछ हमारी लर्निंग भी हो जाएगी और जो अच्छे ब्रीडर्स हैं उनको, उनके चैनल्स तो मैं देखता रहता हूँ, अब कोई टिप्स आते हैं तो वो मैं आगे भी शेयर करता हूँ। तो कोशिश होती है कि यार जितना लर्न कर सके अच्छे जो बर्ड्स हैं हम पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस हों, ना के लोग इंपोर्ट ही करें, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट होनी चाहिए ना कि इंपोर्ट होनी चाहिए, तो फोकस उस पर होना चाहिए ज़्यादा। चलें जी, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो हो गई है लंबी, लाइव सेशन हो गया 17 मिनट का, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, नोट डाउन करके रखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लिए सब फिर दोबारा करेंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।